कोर का काफिला अब हमीरपुर में उनके जो पैतृक निवास के आसपास के इलाकों में गुजर रहा है। और आप देखिए कि कुछ जगह ढोल लगाड़े होते हैं, लेकिन कुछ जगह हम देख रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, वो मंगल गीत गा रही हैं, बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। ये तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब गाँव से, उन इलाकों से काफिला बढ़ रहा है जहाँ के अनुराग ठाकुर सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन इस क्षेत्र के वो सांसद हैं और एक एक गाँव में यहाँ पहुँच रहे हैं। आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि हाँ, ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और अलग तरह का जश्न होता है, लेकिन यहाँ पर गांव के लोग अपने अंदाज में स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, गांव देहाती, ये एक नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जहाँ से वो इस वक्त गुजर रहे हैं उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से मुलाकात कर रहे हैं, जो न सिर्फ युवा, जो उम्रदराज लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी वो मुलाकात कर रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मालाएं पहन रहे हैं। देखिए ये जो और पैर छूकर भी आशीर्वाद ले रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा में अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री। उनकी यात्रा का आखिरी दिन, 600 किलोमीटर के ऊपर की यात्रा लगभग काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, लेकिन अब अपने संसदीय क्षेत्र में वो हैं। और ये देखिए, 92 साल की उम्र के संत राम जी हैं, इनकी उम्र 92 साल है, सबसे बुजुर्ग आदमी इस गांव के हैं, कोट गांव के हैं, और वो भी यहां पर बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं अपने हाथ से अनुराग ठाकुर को मिठाई खिलाने के लिए और माला पहनाने के लिए। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये संत राम जी हैं। जी तो ये देखिए, संत राम जी जो हैं, उनके पैर छूकर अनुराग ठाकुर ने आशीर्वाद लिया। 92 वर्ष उनकी उम्र है और उन्होंने अभिवादन किया, उनसे बात कर रहे हैं और काफ़ी देर से वो यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। और अनुराग ठाकुर का ये अंदाज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है गांव देहात में। अच्छा, हम यहाँ जो एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो मंगल गीत ठाकुर आए, उसको लेकर ये मंगल गीत यहाँ पर महिलाएं गाती हुई आपने देखी, तो इस तरह का एक स्वागत यहाँ पर हो रहा है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MHN प्राइम, हमीरपुर।